नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 19 मई 2020 और यहां पर हम लोग निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है दोस्तों, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है 20 मई 2020 के लिए। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं एससीएल टेक से। एससीएल टेक देखिए, एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये बड़े साइज में एक रेंज बाउंड बना हुआ है, लेकिन अब इस रेंज बाउंड के अंदर भी ये रेंज बाउंड जैसी नेचर को ये यूज कर रहा है। कल अगर ये ऊपर 525 ब्रेक करता है तो एक बार आपको 535 तक के टारगेट एससीएल टेक दिखा सकता है। हेक्सावेयर की बात करें तो यहाँ से आज मैंने हेक्सावेयर को बाय साइड दिया हुआ था लाइव सेशन में और आपने यूज किया होगा, उसको प्रॉफिट भी बनाया होगा हेक्सावेयर में। देखिए, हेक्सावेयर यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये नीचे की साइड में 230 तोड़ेगा तो 215 तक आएगा, ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 245 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा हेक्सावेयर को। इन्फीबीम की बात करें तो अभी अब कमजोर हो गया है, 200 DMA को इसने ब्रेक कर दिया है तो नीचे साइड में कमजोर है, क्लोज भी कर रहा है नीचे। अगर ये 49 के नीचे निकल जाता है, क्लोजिंग कर देता है 49-48 के नीचे, तो फिर ये 46 तक जा सकता है, ऊपर के लिए कम से कम 52 को ब्रेक करना होगा। इन्फोसिस मैंने लाइव सेशन में दिया हुआ था लेकिन इसने पूरा टारगेट डन नहीं किया है, उम्मीद है कल अगर एक बार अपने हाई को ब्रेक करे तो 675 के ऊपर अगर निकले तो 685 तक के टारगेट इन्फोसिस दिखा सकता है। OFSS 100 पॉइंट के रेंज मैंने कल ही बोला था कि अगर ये 2560 को ब्रेक करेगा तो 2460 तक आएगा। आप देखिए 2417 का लो लगा दिया है। अगर आप मेरे कंटिन्यू निफ्टी आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो इस बात को मैंने क्लियरली यहाँ पे बताया था आप लोगों को। अब नीचे की साइड में अगर OFSS ब्रेक करता है 2400 को तो फिर ये 2300 तक के टारगेट दिखा सकता है, ऊपर जाने के लिए अब इसको वापस अपने हाई को ब्रेक करना होगा जो 2485 के आसपास का आता है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 2585 तक जा सकता है। टाटा इलेक्सी की बात करें तो टाटा इलेक्सी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे ना निकले हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, ऊपर जाने के लिए कम से कम 835 रुपए के ऊपर ब्रेक करना होगा तब 860 से लेकर 900 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे अगर ये 735 ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे के लेवल दिखाएगा दोस्तों जो लगभग 680 तक आ सकता है। अगला स्टॉक है माइंटी, मैंने इंट्राडे में भी दिया हुआ है सिलेक्शन करके, आप इसको भी देखिए अगर ये अपने कितना पुराने रेजिस्टेंस के पास आने की कोशिश कर रहा है। मैंने माइंटी के बारे में एक बार आपको बताया था कि 925-930 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको जिस दिन ब्रेक करेगा तो 950 से लेके 1000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है माइंटी। तो नजर रखिए, माइंटी एक अच्छा पोजिशनल स्टॉक बन सकता है, यहाँ पर से इसने बाउंस करने की कोशिश किया जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से क्लियरली इस बात को फील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विप्रो, अभी हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे कटा नहीं, हालांकि आज लो लगाया 178 का, मेरा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है 180 का, अभी भी लो कटा माने हमारा स्टॉप लॉस कटा नहीं क्योंकि क्लोज कहाँ किया है 184.40 पे, तो वैलिड है हमारा स्टॉक अभी भी। एक मूवमेंट अगर 186 को ब्रेक करे तो 190 तक जा सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो देखिए सपोर्ट लेने लग गया टेक महिंद्रा, तो इसी तरह ये करता रहेगा, अब छोटे टाइम फ्रेम पर ही ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने के लिए 530 को एक बार अगर ब्रेक करे तो आपको ये 550 तक के लेवल दिखा सकता है। TCS की बात करें, TCS ने भी बाउंस बैक लिया एकदम, कल जो बोला बिल्कुल वैसे ही हुआ, 1970-72 को ब्रेक करे तो 2000 के लेवल दिखाएगा, नीचे की साइड का इंपॉर्टेंट है 1875-70, अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 1800 तक के लेवल दिखा सकता है TCS। NIT टेक तैयार हो जाइए एक बहुत ही बाउंस करने के लिए, 1400 के ऊपर निकलेगा तो 1450 और 1500 तक के टारगेट आपको NIT टेक दिखा सकता है। जस्ट डायल की बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, 325 को ब्रेक करेगा तो 312 तक 310 तक भी सेल साइड में जा सकता है, ऊपर जाने के लिए 345 को ब्रेक करना पड़ेगा तो फिर एक बार 370 के लेवल दिखा सकता है। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो 78 के ऊपर निकलेगा तो 84 तक के टारगेट मिलेगा, नीचे की साइड में अगर 68 ब्रेक करता है तो 64 तक के भी लेवल आपको बिरला सॉफ्ट में आते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए देता हूँ, फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस देता हूँ, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के एनालिसिस, साथ ही स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू, लाइव सेशन का वीडियो सब कुछ डालता हूँ, तो अपने बेल आइकन को भी दबा लें, प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।